आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्रीयन आगरी स्टाइल चिकन। 1 kg चिकन के लिए 4 प्याज लेना है और वो प्याज थोड़े लंबे लंबे ही काट देना चाहिए, पतले और लंबे। और उस और गार्लिक यानी लहसुन, आला यानी अदरक, हरी मिर्च इसमें कुटी हुई, मिक्सी में नहीं। कड़ी पत्ता, टमाटर का पूरा मैंने सीड निकाल के लिया है, सीड निकाले हुए टमाटर, क्योंकि सीड अच्छे नहीं होते सेहत के लिए, इसलिए। तेज पत्ता, चक्री फूल, दालचीनी, त्रिफला, बड़ी इलायची, हरी इलायची, ब्लैक पेपर यानी मिरी, सूखा हुआ नारियल, थोड़ा उसको भून के पीस के मिक्सी में बारीक किया है। और ये आगरी मसाला है, आगरी फीका मसाला, आगरी तीखा मसाला, इससे कलर अच्छा आता है। और हल्दी पाउडर। और जब चिकन आधा पक जाता है तभी उसमें सूखा नारियल की ये पेस्ट और ये देसी घी थोड़ा डालना है। हम एक गैस पर बर्तन लेंगे, उसमें अच्छी तरह एक तीन या चार टेबलस्पून ऐसा अंदाज लेके ऑयल डालेंगे। और ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद उसमें हम पहले देखेंगे ऑयल अच्छी तरह से गर्म हुआ है या नहीं, वो देखकर उसमें हम पहला तेज पत्ता डालेंगे। और उसके बाद वो पूरा खड़ा मसाला वो डालेंगे, वो अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद हम कड़ी पत्ता, उसके बाद उसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज अच्छी तरह से लाल होने के लिए हम उसमें थोड़ा नमक डालेंगे, तो उसका पानी छूट कर अच्छी तरह से वो प्याज पक जाता है। इसमें थोड़ा प्याज डालेंगे, सॉरी नमक डालेंगे। प्याज अच्छी तरह से भून जाने के बाद उसका अच्छी तरह से कलर आता है, बादामी रंग का हो जाता है प्याज। उसके बाद उसमें ये हमने कुटा हुआ अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन का पेस्ट डाल देना और वो भी अच्छी तरह से भून लिया। अच्छी तरह से लहसुन और अदरक हरी मिर्च का पेस्ट भूनने के बाद और प्याज अच्छी तरह से बादामी रंग का होने के बाद उसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर को भी अच्छी तरह से भूनेंगे। ये पूरा मिश्रण अच्छी तरह से पक जाने के बाद उसमें हल्दी डालेंगे और हल्दी को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यानी भूनेंगे, वो भी थोड़ा पक जाने पकने के लिए रखेंगे। हल्दी पक जाने के बाद उसमें हमने लिया हुआ आगरी मसाला, फीका मसाला लिया है, वो पहला डालेंगे, सेकेंड डालेंगे। पहला हल्दी डाला है, अभी ये फीका मसाला डालेंगे और वो भी अच्छी तरह से भुनेंगे। जब तक ऑयल नहीं छूटेगा तब तक पकाएंगे। उसके बाद ये तीखा मसाला यानी कलर वाला वो डालेंगे और ये भी अच्छी तरह से भून लेंगे। ये पूरे मसाले अच्छी तरह से भून के लेना है।
अच्छी तरह से मसाला पक जाने के बाद उसमें हम ये चिकन डालेंगे। ये चिकन डालने के बाद उसको अच्छी तरह से ये मसाला मिक्स करेंगे। मसाला भुना हुआ मसाला चिकन को अच्छी तरह से लगाने के बाद उसमें पानी नहीं डालना है, तुरंत पानी नहीं डालना है, थोड़ा गैस का सिम कम करके उसके ऊपर ढक्कन रखकर उसके ढक्कन के ऊपर एक ढक्कन रखकर उसके ऊपर पानी डालकर धीमे आंच पर पकाना है। जो हमने ढक्कन पे पानी रखा था और गैस धीमे आंच पर रखा था, अंदर के चिकन में हमने कुछ पानी नहीं डाला था, लेकिन ऊपर देखिए आप अच्छी तरह से कि ऊपर का पानी थोड़ा गर्म हुआ है, वो गर्म पानी ही उसमें हम चिकन अच्छी तरह से पकने के लिए डालेंगे और गैस हाई करेंगे अभी और मिक्स करेंगे। ऊपर पानी रखने से नीचे वाला चिकन रहता है, वो गैस पर रखा हुआ चिकन रहता है वो नीचे से जलता नहीं, इसलिए ऊपर का पानी गर्म करके इसमें डालें। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर से उसके ऊपर वो ऊपर ढक्कन रखेंगे और उसके ऊपर हम फिर से पानी रखेंगे। उस चिकन के अंदर पानी डाला है इसके लिए हम गैस हाई रखेंगे तो वो जलेगा नहीं, और ऊपर से फिर से पानी रखेंगे और पकने के लिए उसको चिकन को रखेंगे। अभी हम देखने वाले चिकन आधा पका होगा। मैंने पहले ही कहा था जब भी मैंने शुरुआत की थी तभी उसमें मैंने दिखाया था कि सूखे नारियल को मैंने भूनकर अच्छी तरह से मिक्सी में पीसकर ऐसी पेस्ट बनाई है, वो पेस्ट डालेंगे नारियल की। और उसके बाद मैंने दिखाया था घी, देसी घी, इतना देसी घी इसमें डालेंगे। और अभी इसमें हम नमक भी डालेंगे, यानी तीन इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने वाले हैं, सूखा नारियल की पेस्ट, घी और नमक। हमने नमक पहले थोड़ा डाला था प्याज पकने के लिए, उसी हिसाब से लेकर इसमें हम नमक डालेंगे और ये अच्छी तरह से मिक्स करके फिर से इसको अच्छी तरह से ढककर पकने के लिए रखेंगे और वापिस फिर से इसमें इस ढक्कन के ऊपर हम पानी डालेंगे। हमारा हो गया है, इसमें मैंने एक आलू भी डाला है, मेरे बच्चों को आलू बहुत पसंद है चिकन में। अभी आपके हिसाब से इसमें पानी डालना है, राइस से, चावल की रोटी, चपाती, किसी से भी अच्छा लगता है। अभी हो गया है चिकन, देखिए अच्छी तरह से टूट भी रहा है, देखिए अच्छी तरह से हो गया। अभी गैस हम बंद कर बंद कर देंगे। ये रहा हमारा आगरी स्टाइल का चिकन, ये राइस के साथ अच्छा लगता है, चावल की रोटी, चपाती, कौन सी भी रोटी भाकरी रहेगी उसके साथ ये अच्छा लगता है। थैंक यू। Subscribe my channel.